नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मेट्रो सिटी समाचार। मेट्रो सिटी समाचार की आज के इस चर्चा सत्र में हम बात करेंगे वसई विरार के शहर के अंदर जो रखरखाव हो रहा है महानगर पालिका द्वारा, उन सब चीजों पे कहां कहां कोताही हो रही है, कहां बजट का घपला हो रहा है, ऐसे तमाम सारे जो सीरीज है उसको शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज ये पहला अंक है जिसमें आपको बताने वाले हैं कि आपके शहर में आपके लिए जो सरकारी निधि, कॉरपोरेशन जो निधि या जो बजट पास करती है उसको उसका सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है या फिर घोटाला हो रहा है। वसई विरार शहर महानगर पालिका जो 2009 में अस्तित्व में आती है और उसके बाद वहां पे जो जो इंजीनियर है, सिटी इंजीनियर, वो राजेंद्र लाड हैं, जिनके ऊपर सड़कों की जो टेंडर होते हैं या महानगर पालिका के अंदर जो भी इंजीनियरिंग से जुड़ा डिपार्टमेंट है, चाहे वो सड़क बनाना हो, नाला बनाना हो, नालों पे ढक्कन डालना हो, झूले लगाने हो, गार्डन बनाना हो, साफ सफाई हो, नाला सफाई हो, मतलब इस तरीके के जो बजट है वो बजट अलॉटमेंट के टाइम जो इंजीनियर, जो यांत्रिकी जो विभाग है उसके जो मुखिया है वो राजेंद्र लाड है, जो महानगर पालिका में जब से महानगर पालिका बनी है तब से वो उसी पद पर बने हुए हैं। तो आज का जो ये एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे महानगर पालिका के अंदर जो गार्डन्स बने हैं महानगर पालिका के अंदर, जहां पे आप व्यायाम करते हो, जहां पे आप आपके बच्चे खेल कूद करते हैं, जिसके लिए आप पैसे पे करते हो, इन सब चीजों के रखरखाव कैसे हैं, आपका शहर और आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास जो भी महानगर पालिका द्वारा गार्डन्स बने हैं उसमें अगर सुविधा आपके पास नहीं है तो उसे मुझे व्हाट्सएप पे जो भी वीडियोस हैं, जो भी उसकी फोटोज हैं या जो भी समस्या है, या उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप उसे हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा हर खबर में व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है ऑफिस का, जहां पे आप अपनी समस्या और उससे जुड़ा जो भी मुद्दा है, आपके पास जो भी वीडियोज फोटोज आप बना रहे हैं आप भेज सकते हैं। आज का जो एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे नाला सोपारा शहर। वसई विरार लगभग 35 लाख की आबादी का शहर है, हालांकि जनगणना ये 2011 की है लेकिन उस समय जनगणना में 4-5 लाख लोग ही काउंट हुए थे, लेकिन आज जो है लगभग 35 लाख की जनसंख्या है। आप सड़कों से गुजरते होंगे वसई विरार की तो आपको एहसास होता होगा कि 35 लाख भी शायद कम है, जनसंख्या कुछ ज्यादा है, क्योंकि आधी जनसंख्या जो है वो फेरी लगा रही है वसई विरार में, और फेरी द्वारा सड़कों पे सब बैठे रहते हैं। वहां महानगर पालिका के कर्मचारी, कमिश्नर और जो भी बड़े नेता हैं शहर के, वो भी जाते आते हैं, लेकिन इसमें किसी की नजर नहीं पड़ती है क्योंकि उसका उसके पीछे कुछ और व्यवस्था है जिसका लाभ शायद उन्हें मिल रहा है, इसलिए इन सब की चीजों पे नजर नहीं पड़ती। एक आम आदमी जो ट्रैवल करता है उसको समस्या आती है, उसको ट्रैफिक जाम दिखता है, तमाम सारे फेरी वाले जो 60-70% सड़कों पे कब्जा जमाए बैठे हैं, वो तो खैर फिलहाल ये समस्या इतनी ज्यादा है वसई विरार में कि एक एपिसोड में बात नहीं कर सकते। तो आज हम बात कर रहे हैं नाला सोपारा शहर की। नाला सोपारा पूर्व में जो भी गार्डन्स हैं वसई विरार में, पश्चिम में जो भी गार्डन्स हैं या वसई विरार में जो भी गार्डन्स हैं, उनके रखरखाव संबंधित जो भी बजट पास होता है वो महानगर पालिका के द्वारा पास होता है। अब ये एक उदाहरण ले लेते हैं आज के लिए। नाला सोपारा में, नाला सोपारा पूर्व में अचोले तालाब है, जहां पे प्रभाग डी महानगर पालिका की 9 प्रभाग है, 9 प्रभाग के में एक प्रभाग वहां पे भी है। वो आप नाला अचोली तालाब जब आप जाते हैं तो लगभग एक राउंड करेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर का दायरा आपका वॉकिंग के लिए या रनिंग के लिए पूरा हो जाता है, इसलिए वो ज्यादातर लोगों के लिए कन्वीनियंट है क्योंकि एक जगह जाके आप रनिंग भी कर लेते, काफी स्पेसियस भी है, काफी अच्छा भी है। लेकिन उसके रखरखाव के लिए लगभग 2,70,41,000 का बजट 2019 में महानगर पालिका वसई विरार पास करती है, जिससे वहां पे सुशोभीकरण यानी सुंदरीकरण, यानी जो भी उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जो भी एक्सरसाइज के लिए जो भी चीजें आनी है, वो सारी चीजें वहां पे मंगाई जाती है। 2,73,00,000 यानी 2,70,00,000 रुपए का बजट पास किया जाता है और महानगर पालिका द्वारा, जिसमें सिटी इंजीनियर की भूमिका मैं आपको बता दूं इसलिए है कि उनकी जिम्मेदारी है, उसमें कोई गलत नहीं है और कोई असंवैधानिक में नहीं है और ना उनपे मैं कोई आरोप ही लगा रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं 2,70,41,000 रुपया पास किया जाता है, जिससे गार्डन की चीजें जो है वहां पे आती हैं, जिसमें बच्चों को खेलने के लिए तमाम सारे खेल के संसाधन जो भी हैं, झूला वगैरह जो भी है, एक्सरसाइज की चीजें, लोगों के व्यायाम करने के लिए सुबह, क्योंकि मॉर्निंग वॉक वगैरह आपको करना है तो आपको नियरेस्ट है, आपके नियर बाई है, घर के आसपास है, ऐसे हर जगह गार्डन है। सिर्फ अचोले ही नहीं, वसई विरार में 9 प्रभागों में सैकड़ों गार्डन है जहां पे आप सुबह जाके एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आप देखिए क्या वहां पे साफ सफाई हो रही है, वहां पे जो मशीनरी लगी हुई है कब की लगी हुई है, उस पर धूल जल रहा है या फिर जंग खा गया या फिर गिर के कहीं कचरे में गिरा हुआ है, वो ऐसी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। ये अवेयर लोगों को जानना जरूरी है कि ये चीजें जो वहां लगी हैं एक्चुअल में वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि उसका बजट आता है, फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस आता है, और वो आता है और आ रहा है और आया है,
और खर्चा भी हुआ है लेकिन उसमें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है कहीं तो है वो पैसा, कौन हड़प कर रहा है, कौन हजम कर रहा है। मशीनरी जो है वसई विरार महानगर पालिका की ऐसी है कि अगर आप शिकायत करने जाते हैं तो कमिश्नर पत्रकारों के नंबर ब्लॉक कर रहे हैं, नेताओं के नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे नेता वहां चप्पल का हार वगैरह भी लेके पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि जब सुनने के लिए तैयार नहीं तो लोग अपने तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने देखा था कि मनसे के जो नेता है वो एक दो बार आए थे वहां पे, तो उन्होंने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट दी थी और उस ट्रीटमेंट के बाद काफी कुछ काम भी हुआ था। तो ये इस लेवल का ट्रीटमेंट पत्रकार तो नहीं कर सकते ना, कम से कम हमारी अपनी इज्जत है तो हम अपने हिसाब से ही बात करते हैं। उनकी क्या इज्जत है हमें नहीं पता है, क्योंकि जब वो नंबर ब्लॉक करते हैं तो समझ में आता है कि एक आईएएस अधिकारी या फिर उसके लेवल के जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं, अगर ये नंबर ब्लॉक करते हैं तो गंभीर बात है। इसका मतलब है कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, एक तरफा बात हो रही है, मतलब वो अधिकारी किसी उद्देश्य से यहां आए हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं और उनका समय काल जब पूरा हो जाएगा चुपचाप निकल जाएंगे। उनको वसई विरार हो या कोई भी शहर हो, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके का कार्य वसई विरार में हो रहा है ये हमारा आकलन है और यही सच्चाई भी है, क्योंकि हमने बताया आपको कि सड़कों की क्या दुर्दशा है। खैर, फिलहाल 2,70,41,000 का बजट वसई विरार की इस अचोले तालाब के लिए आया हुआ है। अचोले तालाब की आप तस्वीरें देखिए, स्थितियां देखिए, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं वसई विरार में। हर तालाब में, हर जो गार्डन बने हुए हैं, लगभग सारी स्थिति ऐसी है 2019, 2016, 2015, 2018 की जो मशीनरी है वही लगी हुई है। करोड़ों रुपया साल का बजट आता है, मेंटेनेंस आता है, बजट बाकायदा पेश होता है और बताया जाता है कि इस बार तो पूरा मतलब पूरी दुनिया बदल जाने वाली है, लेकिन लास्ट में होता कुछ नहीं, 2019 का वही झूला टूटा हुआ जमीन पड़ा दिखता है। तो ये वसई विरार की वास्तविक स्थिति है और इस तरीके के जो गार्डन्स है, इस तरीके के गार्डन्स के रखरखाव की जिम्मेदारी राजेंद्र लाड जो अधिकारी हैं, सिटी इंजीनियर, और उनके ऊपर जो कमिश्नर बैठते रहते हैं, बदलते रहते हैं, गंगाधरन के बाद अभी अनिल पवार आए हैं, वो देख रहे हैं कार्यकाल, लेकिन वो भी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं नंबर ब्लॉक करने के लिए। जो भी पत्रकार या जो भी समाजसेवी जो भी कोई समस्या भेजता है तो पहले नंबर उनका ब्लॉक करते हैं वो। अब एक बताइए कि ये जनता के सेवक हैं या प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या कोई मंत्री हैं, अधिकारी हैं ना, तो अधिकारियों का कार्य क्या है? शिकायत पे काम करना, क्योंकि जनता के टैक्स से पैसा उनको जाता है ना। सरकारी जो भी मशीनरी है उनका पैसा सरकार, जब आपका एक रुपया बकाया होता है तो आपको ये बताया जाता है कि आप पहले घर पट्टी भरो नहीं तो फिर ताला लग जाएगा। मतलब वसूली में नंबर वन है महानगर पालिका, ये दावे हमेशा ठोकती रहती है। आप देखते होंगे, आप चलते होंगे, आप महसूस करते होंगे, आप परेशान होते होंगे, आप भुगतते होंगे जब आप देखते होंगे कि गटरों पे ढक्कन नहीं है। बारिश में कई बार, पिछली बारिश और उसके पहले की बारिश में गटर के अंदर लोग घुस गए और गायब हो गए, मर गए। क्या पड़ी है किसी बड़े अधिकारी को? उनका तो सब जिंदा है ना, उनका तो कोई नहीं गया, तो उनको तकलीफ नहीं है। जिनका जाता है उनको तकलीफ है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि ऐसे एरिया में वो रह रहे हैं, और ऐसी मजबूरी है कि अब शिकायत भी नहीं कर सकते। शिकायतों का अगर जो 2009 से शिकायतों का अगर बंडल खोला जाए महानगर पालिका में, तो शायद उनकी एक दो बिल्डिंग भरी होगी शिकायतों को लेकर। लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई कितनी प्रतिशत हुई है? न उनका ट्विटर हैंडल वर्किंग है, न उनकी वेबसाइट वर्किंग है। वर्किंग का मतलब ये एक बात समझ लीजिए कि वो ऑनलाइन है, चल रही है, नो डाउट, बट रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। यहां तक कि पीआरओ नहीं था, पिछले साल गणेश पाटिल वहां पे पीआरओ आए हैं जिनको बिठाया गया है, लेकिन उनका भी उनको भी जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आंकड़े उनको मिलते ही नहीं है। मांगने पर भी आंकड़ा महानगर पालिका देती नहीं है, मैं तो ये साफ कह रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं मिला है। और महानगर पालिका इसके लिए पूरी तरह आंकड़े छुपा रही है, वो चाहे जिस भी तरीके का आंकड़ा हो, चाहे वो साफ सफाई बजट हो या जिस भी तरीके की। सड़कों की दुर्दशा आप देखते हैं, अभी ये चल रही है मई, आखिरी दौर में मई है, इसके बाद बारिश का महीना आने वाला है। बारिश महीने में आप देखते हो जब तक गणपति नहीं आ जाते, गणपति का महीना नहीं आता जुलाई अगस्त, तब तक आपकी सड़कों की दुर्दशा होती रहती है और ये अधिकारी कभी भी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इस तरीके का जो ये जो हमने जिस प्रकरण में आज शुरुआत की थी महानगर पालिका के अचोले तालाब की, अचोले तालाब में 2,70,41,000 रुपए का बजट पास किया गया और आज तस्वीरें बता रही हैं कि इसमें कितना प्रतिशत पैसा लगा होगा। बीच में दीवारें जो थी गिर भी गई, एक दो बार हादसा भी हुआ, हालांकि उसमें भगवान की दया से कोई पीड़ित नहीं हुआ, बट फिर भी हादसा हुआ। और अभी जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे वो देखिए कि उसमें झूलों की हालत क्या है। आपके नौनिहाल, आपके बच्चे, जब आप घरपट्टी भरते हैं, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स ईयरली आप पे कर रहे हैं, मंथली आप मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, ये किस लिए करते हैं? क्योंकि आपका बच्चा, आपकी फैमिली वहां पे जाके एंजॉय कर सके। आप जो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को जब पे कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन को जो आप पे कर रहे हैं, उसके बिहाफ में आप वहां वॉकिंग कर सके, आप मॉर्निंग वॉक में बैठ सके, आप योगा, आप व्यायाम कर सके, आपकी फैमिली के साथ आप तस्वीरें निकाल सके, आप वहां पे अपनी लाइफ स्टाइल अच्छा कर सके।
इसके लिए वहां पे सुविधा के लिए आप पे कर रहे हैं और आपका पैसा 2,70,41,000 रुपया इसमें जो लगा हुआ है, उसके बाद मेंटेनेंस 2019 से 2022 आ गया, इसके बीच में कितना पैसा मेंटेनेंस पे आया होगा उसका आंकड़ा हमें अभी नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि लगभग तीन करोड़ रुपया अगर भी देखा जाए तो 3 करोड़ रुपए में जो खेल कूद के आपके सामान दिख रहे हैं ये सारे जूने पुराने हैं और सारी जर्जर अवस्था में, अगर गलती से भी कोई बच्चा वहां पे कहीं हाथ लग जाए या कहीं वो घसीट दे तो कट फिट जाएगा, ये तो तय है। मतलब इस पे खेलना मतलब खतरे से खेलना है और आप जानते हो जिस तरीके की दुर्व्यवस्था है वसई विरार में, किसी भी परिप्रेक्ष्य में लेके देखिए तो आपको कहीं ना कहीं से निराशा ही होगी। तो ऐसे महानगर पालिका कर्मचारी अधिकारियों को लेके राज्य सरकार को चेकिंग करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, जो भी बजट खर्च हुए हैं उन बजटों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि कितना प्रतिशत जनता, क्योंकि हर साल का बजट आता है लेकिन ढक्कन पिछले 2-3 साल से गटरों पे ढक्कन है ही नहीं। बारिश आने वाली है, नाला सफाई का जब हमने सर्वे किया तो नाला सफाई की स्थिति आपको मैं उसको दूसरे एपिसोड में बताऊंगा, आप देखिएगा कि नाला सफाई कितना प्रतिशत हुई है। महानगर पालिका करे हमने नाला सफाई पूरा कर लिया, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पे महानगर पालिका कर्मचारी पहुंचे ही नहीं है। शायद अगर आज बारिश आ जाए तो सब पानी के नीचे चला जाएगा, सब हिसाब बराबर हो जाएगा, किसी को पड़ी नहीं है कि वो जाके वहां पे डूबते हुए वसई विरार को देखे, क्योंकि लास्ट में उनको मालूम है कि डूबना ही है, क्योंकि उनकी प्लानिंग उसी हिसाब से है, उनको भी मालूम है, कॉन्फिडेंस है उनको कि शहर तो डूबता ही है। इसलिए देखिए अधिकारी कर्मचारी बोलते नजर आते हैं कि जब एक्स्ट्रा बारिश होती है तो कहीं भी शहर डूबता है, पहले तो नहीं डूबता था अब कैसे डूबने लगा। इस पे भी काफी कुछ आंकड़े हैं जो हम आपको आगे वाले एपिसोड में बताएंगे। खैर फिलहाल हमारी जो चर्चा है वो आपके लिए अवेयरनेस के लिए है। आप बता दें आपको महानगर पालिका की वेबसाइट है और इसके अलावा मुंबई मंत्रालय की जो वेबसाइट्स हैं, सारी वेबसाइट्स पे कंप्लेंट पोर्टल है, सिटीजन पोर्टल्स है, जो भी अवेयर लोग हैं वो अपनी शिकायत जो है उसकी फोटोज उसके वीडियोस आप वहां भी मेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहे। आपके आसपास की जो समस्या है वो किसी भी चीज से जुड़ी हो, चाहे पानी हो, चाहे घर हो, घर पट्टी हो, जो भी समस्या हो जिसकी खबर आप चाहते हैं कि हम मेट्रो सिटी समाचार के माध्यम से उन अधिकारियों तक पहुंचाएं जो अपनी कार्रवाई में लापरवाही कर रहे हैं, अपने कर्तव्य में लापरवाही कर रहे हैं, आपके जेब से निकले पैसों से पगार खा रहे हैं और अपनी जिंदगी अच्छी कर रहे हैं और आपकी जिंदगी नरक बना रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई चाहिए तो फ्लैश किया जा रहा है इस पे नंबर 8847747777। आप व्हाट्सएप कीजिए, आपके पास जिस भी जगह पे कचरे हों, कहीं भी ऐसी समस्या हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, वीडियो बना के भेजिए, आपके यहाँ पानी भर रहा हो, अभी की स्थिति क्या हो, तो वो आपका वीडियो हमारे पास आएगा, उसको हम खबर मिलेंगे और संबंधित अधिकारी को जगाएंगे कि जिससे वो आपके आसपास जाके या आपके पास जाके वो कार्रवाई कर सके। धन्यवाद बहुत बहुत। इस एपिसोड में हमने जो बात किया है पूरी तरह इसे आप किस प्रकार से देखते हैं और हमारे इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है उसको हमें कमेंट करके बताइए और आपके सुझाव क्या है वो भी हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए आप सब से विदा लेता हूं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।